Today we will discuss on ordinary differential equation of first order and first degree. The ordinary differential equation of first order and higher degree. Order is one, but the degree is higher. First we see what is the general form of such a type of differential equation. Okay, the general form of ordinary differential equation of first order and higher degree is, क्या है इसकी जनरल फॉर्म? F of x, y and p, right? इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? F of x, y and p, and this is equals to small p to the power n plus capital P of 1xy, small p to the power n minus 1, then p2xy, small p to the power n minus 2, plus up to dash p n minus 1xy, small p, plus pn xy, and this is equal to 0. This is equal to 0 is the general form of a ordinary differential equation of first order and higher degree, where small p, where the small p is dy by dx, where small p is dy by dx, and the capital P is the function of variable x and y. Okay, ठीक है. तो ये जो मैंने इक्वेशन यहां पे लिखी है, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड इसकी डिग्री कितनी है? द डिग्री इज n. अपन बात किसकी कर रहे थे? हायर डिग्री. तो हायर डिग्री में क्या जाता है? डिग्री मोर देन 1. तो मोर देन 1 में अपन क्या देख रहे हैं? या मैक्सिमम डिग्री क्या है इस पूरे इक्वेशन की? दैट इज n. एंड व्हाई वी कॉल इट ऑर्डिनरी first order and higher degree. So first we call it ordinary because it contains only ordinary derivatives. Okay? And why we call it first order? अगर आप देखें तो पूरी equation में जो small p जहाँ पे भी आ रहा है, वो small p का meaning मैंने क्या बताया? That is dy by dx, and this is the derivative of first order. तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का यूज पूरी इक्वेशन में हुआ है. कहीं पे भी मैंने स्मॉल p को सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के फॉर्म में यूज नहीं किया है. दैट्स व्हाई इट इज इन फर्स्ट ऑर्डर. एंड हायर डिग्री, तो डेरिवेटिव की डिग्री से ही अपन पता करते हैं ना डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि स्मॉल p जो आपका कहता है dy by dx, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? n. वो पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव भी कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर का है. इसलिए हमने कहा कि इक्वेशन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर में है और डिग्री उसकी कितनी है? हायर है. और यहां पे अपन ने वो हायर डिग्री का नाम क्या लिया है? दैट इज n. अब बात आ रही है कैपिटल p1xy, कैपिटल p2xy, दीज आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल xy.
ठीक है, जो क्या होंगे वेरिएबल एक्स और वाई में कोई फंक्शन होंगे, उनके मल्टीपल कोई कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकती है, राइट। अब जब मेरे पास कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री में आती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन अलग अलग वेज होते हैं जो डिपेंड किस पे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पूछा लिखा था कैपिटल एफ एक्स वाई एंड पी, तो ये एक्स वाई एंड पी एक्चुअल में यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों के लिए हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की जो इक्वेशन होगी दे आर सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वेरिएबल एक्स एंड सॉल्वेबल फॉर वेरिएबल वाई। तो यहाँ पे इस टॉपिक में मैं जब हायर ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, तो मैं तीन डिफरेंट वेज में उसको सॉल्व कर लूंगा। तो फर्स्ट वे जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी ऑनली, ठीक है, पहला अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ठीक। तो पहले अपन इसको देखें कि सॉल्वेबल फॉर पी में कैसे अपन फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना इसमें क्या रहा है, फर्स्ट मेथड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पूरी मेथड समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको इक्वेशन गिवन रहेगी, तो उस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज इसमें करना है पी की फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे और पी की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डिग्री की है या थर्ड डिग्री की है, तो थर्ड डिग्री की है तो हम क्या करेंगे, उसको जब फैक्टर करेंगे तो आपको पी के तीन अलग अलग फैक्टर्स मिलेंगे, राइट। अब इन तीनों फैक्टर्स को, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फैक्टर मेरा था पी माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर था p माइनस बीटा, थर्ड फैक्टर हो गया p माइनस गामा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट में फर्स्ट फैक्टर को इक्वल जीरो लिखूंगा, राइट, सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर इनको इक्वल जीरो करूंगा, और यहां से p की वैल्यू फाइंड करूंगा, दैट इज अल्फा। बट p क्या था, p इज dy / dx, तो dy / dx क्या आ गया, इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब यहां से जो आपने dy / dx की फॉर्म में जब इसको पुट करोगे, तो आपका ये फैक्टर क्या करेगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी किस फॉर्म में होगी वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इट मे बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इट मे बी होमोजीनियस फॉर्म, इट मे बी लीनियर फॉर्म, इट मे बी एग्जैक्ट फॉर्म और रिड्यूसेबल लीनियर और रिड्यूसेबल एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें से किसी भी टाइप को वो बिलोंग कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए मेरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की थी, तो मैं क्या करूंगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यहां से पहली वैल्यू अपन y की निकालेंगे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये y की वैल्यू देगा। इन द सेम वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर। फाइनली जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इन तीनों सोल्यूशन को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस फाइव पी, पी स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव पी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा, सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी में कि जो भी अपनी इक्वेशन होगी उसको अपन को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद किसकी वैल्यू निकालना है,
तो इट इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p, तो आपने इसको फैक्टर्स किए, ठीक है, सॉल्यूशन फैक्टर्स क्या गया p माइनस टू एंड p माइनस ऑफ थ्री एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो. ये तो सबको आता है कि इसमें भी दिक्कत है, फैक्टराइजेशन सब कर सकते हैं, राइट? यस सर. पास दो अलग अलग फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर है p माइनस टू, इसको आपने इक्वल किया जीरो के, एंड द सेकंड फैक्टर इज p माइनस थ्री, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, और p इज इक्वल टू टू, एंड सेकेंडली p इज इक्वल टू थ्री. p की आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, द फर्स्ट वैल्यू इज 2 एंड द सेकंड वैल्यू इज 3, ठीक है. देन p आपने किसके लिए यूज किया था, p किसको डिनोट कर रहा था, dy by dx, तो आपने यहां पे p की वैल्यू रख दी, सो p इज dy by dx इक्वल टू, एंड द सेम वे dy by dy इज इक्वल टू 3. सेकेंड फैक्टर में भी p की वैल्यू आपने पुट कर दी. अब यहां से आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो इक्वेशन बनी, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट विच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर सिंपली मैं dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक सिंपल सी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, सो dy इज इक्वल टू dx, सिंपल सी एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं, देन इंटीग्रेट करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, राइट. नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, y इंटीग्रेट को dy का इंटीग्रल कितना आ गया y, 2 कांस्टेंट था, dx का इंटीग्रल हुआ x, कोई भी एक अपन ने इसमें कांस्टेंट ऐड कर लिया, से c या c1 जो भी आपको लगेगा, सारी टर्म्स को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर लेना है, दिस इज y माइनस ऑफ 2x माइनस c इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आ गया. इन द सेम वे सेकंड जो आपका फैक्टर था, इसको भी अपन ने सॉल्व किया, यहाँ पे भी अपन क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही आ रही है, तो यहां से मैंने dx को इधर शिफ्ट किया, तो dy की वैल्यू कितनी आ गई 3dx. फिर से आपने बोथ साइड इंटीग्रेट कर लिया, तो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस एनी कांस्टेंट, चाहे तो इसको आप c या c लिखे रहते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब इसको भी आपने इस टाइम शिफ्ट किया, तो y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0, तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डेफिनेटली दो फैक्टर्स बनेंगे, दो फैक्टर जब आपको सॉल्यूशन देंगे तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन देंगे. अब जो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होगा या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, वो हम किस तरीके से लिखेंगे ये समझना है, ठीक है. कैसे लिखना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में. सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फर्स्ट सॉल्यूशन था y माइनस 2x माइनस c, और सेकंड सॉल्यूशन था y माइनस 3x माइनस c, दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, इक्वल जीरो कर दिया, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है. किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. क्लियर? ये बिल्कुल सबसे पहले अपन ने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया था, ताकि आपको मेथड पहले क्लियर हो जाए. अब अपन इससे थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखें इसी का, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी का, और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट हो चुका है. द सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई कॉट एक्स, पी स्क्वायर टू पी वाई
minus of y square is equals to g. The question is p square plus 2py cot x minus of y square is equals to g. Right? तो सबसे पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट है क्योंकि p का मीनिंग क्या है, dy by dx. ओके, बिकॉज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल p, p में क्वाड्रेटिक है, p में क्वाड्रेटिक है तो आप फैक्टराइज, अगर आप डायरेक्ट यहां से फैक्टर्स कर सकते हैं तो भी आप उसमें p की वैल्यू निकाल लें, और अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सिंपल फार्मूला होता है हम उससे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू g. देन व्हाट इज इट, इज माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 बटा 2 है. यस सर, दिस इज द फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पे अपने पास में इक्वेशन क्वाड्रेटिक किसमें था, वेरिएबल x में, और यहाँ किसमें है, वेरिएबल p में. तो हम सॉल्यूशन किसके लिए निकालेंगे, x की जगह हमारा क्या है, वेरिएबल p. सो p इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b मतलब जो p के मल्टीपल वाली टर्म्स है, तो p के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 2y cot x. तो दिस इज माइनस ऑफ 2y cot x. Then plus minus square root of b square means 2p cot ka square, 2 ka square hua 4, y square cot square x. Then minus ke 4ac, a p square ka multiple is 1 aur c means constant term, kitna hai, minus of y square. ठीक है, तो 4 इनटू माइनस ऑफ y स्क्वायर, माइनस माइनस से हटा जाएगा, दिस इज प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू a मींस 2 इनटू 1 बिकॉज़ a इज 1. ये तो आपका सिंपल फार्मूले में अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अब हमने इसको सिंपलीफाई करके p की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करी. राइट, तो फर्स्ट वी सी 4y स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है, रूट के बाहर हमने उसको कॉमन लिया, तो दिस इज माइनस ऑफ 2y cot x प्लस माइनस 4y स्क्वायर, रूट के बाहर गया तो क्या बचा, ओनली 2y, द स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर x प्लस 1 होल अपॉन में है. फिर यहां से देखें 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये 2 इस 2 को भी कैंसिल कर सकता है, y भी कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट अपन ने यहां से कॉमन क्या लिया, माइनस ऑफ ऑनली 2y कॉमन, देन दिस बिकम माइनस ऑफ cot x प्लस माइनस और रूट ऑफ cot स्क्वायर प्लस a, दिस इज cos x होल अपॉन में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. Means मेरे पास रिजल्टेंट क्या बचा, y into cot x with minus sign and plus minus cos x. This is the p. ठीक है, यानी p की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, minus y into minus में cot x plus minus cos x. अब दो साइन के लिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, प्लस साइन लेके एक सॉल्यूशन निकालते हैं, माइनस साइन लेके एक सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, तो पहले अपन ने यहां पे प्लस साइन चूज किया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन वी गेट p इज इक्वल टू y इनटू माइनस ऑफ cot x प्लस ऑफ cos x. राइट, अभी हमने प्लस साइन लिया तो ये सॉल्यूशन आया, देन p की वैल्यू अपने को मालूम है, दैट इज dy / da, तो p को आपने रिप्लेस किया dy / dx से, एंड दिस इज इक्वल्स टू y cos ऑफ x माइनस ऑफ cot x. अगेन वी सी इट
इज अ सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो y को आपने शिफ्ट किया लेफ्ट में, dx को शिफ्ट किया राइट में. देन वी गेट 1 अपॉन y इनटू dy इज इक्वल टू cos x माइनस cot x इनटू dx. ओके, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने इसको वेरिएबल सेपरेट किए. देन नाउ वी इंटीग्रेट दिस टर्म. सो द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y इज log ऑफ y, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x दैट इज log tan x by 2, log tan x by 2. और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec का तो हमने बता दिया, log tan x by 2. cot का क्या होता है, log sin x, याद है ना? ठीक है, सो दिस यस सर, यस सर, यस सर, log sin x और इंटीग्रेट किया है तो एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे. कांस्टेंट मैंने यूज किया है log of c, राइट. अब इंटीग्रेशन हो गया, अब हमको केवल सिंपलीफिकेशन करना है. सो द log of y इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज log m माइनस log n. तो क्या हो जाता है, log m अपॉन n हो जाता है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m के प्लेस पे है tan x by 2 और n के प्लेस पे क्या है, sin x, राइट. दिस इज log m अपॉन n, और प्लस में फिर था तो ये किस में जाएगा, इनटू में जाएगा, है ना. तो इनटू में और क्या जाएगा इसके, c. ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक साथ मैंने अप्लाई कर दिए, log m माइनस n एंड log m प्लस n. अभी भी याद है कि थोड़ा सिंपलीफिकेशन हो सकता है, tan को sin cos में बदल सकते हैं आप, और इस sin को 2 sin x by 2 cos x by 2 में भी आप ब्रेक कर सकते हैं. तो आपने फिर से इसको ब्रेक किया, तो दिस इज log of y is equals to log c into tan को आपने लिख दिया sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 into 1 अपॉन जो sin x था उसको आपने लिख दिया 2 sin x by 2 into cos x by 2 sin 2 theta के फार्मूले से. तो यहां से sin x by 2 इस sin x by 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन cos x by 2 into cos x by into 2 means 2 cos square x by 2. So the log of y is equals to क्या रहा है, log of c into 1 upon 2 cos square x by, और cos square x 2 times cos square x by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus cos x भी लिख सकते हैं trigonometry से. तो हम इसको और simplify करके ये भी लिख सकते हैं, log of y is equals to log c into 1 upon 1 plus cos x. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. और अगर मैं बोथ साइड लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दूं तो log log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y is equals to c upon में 1 plus cos x. और इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, y into 1 plus cos x minus of c is equals to 0. This is the first solution. ये अपन ने क्या निकाल लिया, पहले फैक्टर को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल दिया. क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा हमको सिंपलीफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं रहेगा, वी हैव टू सिंपलीफाई दिस सॉल्यूशन जितना आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर, जब आपने प्लस साइन लिया पूरा सॉल्यूशन निकाल के बता दिया. देन सेकेंडली वी टेक नेगेटिव साइन. अब जब अपन ने माइनस साइन लेके सॉल्यूशन निकाला तो देखिए क्या आ रहा है, सबसे पहले t is equals to y minus cot x minus cos k, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ cos k. ठीक है, देन दोनों जगह से मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, माइनस ऑफ y cos x प्लस में cot x. ठीक, तो यहां से आपके पास क्या था, माइनस में,
और ये हो गया था प्लान। फिर से आपने t की जगह dy by dx रखा। देखिए इक्वेशन तो टोटली वही है, कहीं भी कोई चेंज नहीं, केवल साइन बदल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन में माइनस साइन कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ माइनस साइन कॉमन आ गया। देन मैंने क्या किया, जो है माइनस वाई को इधर शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिजल्टिंग क्या बचा, माइनस के वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू किसके, cos x plus cos 3x dy। देन अगेन इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, तो 1 अपॉन y का तो log y होगा, cos x का tan x by 2 log में, cot का log sin x by 2, लेकिन माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, और प्लस आपने कांस्टेंट ऐड किया log of c। अब यहां पे फर्क यहां से पड़ा, ये सॉल्यूशन आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब क्योंकि तीनों के बीच में प्लस साइन है, तो क्या फार्मूला लगा, log m1 plus log m2 plus log m3, that is log m1 into m2 into m3। तो log m1 means log 10x by 2, यहां से आ गया log 10x by 2, m2 कितना sin x और m3 कितना only c। क्लियर, फिर से अभी जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इन सबको सॉल्व किया था, वापस से सॉल्व किया, तो यहां से आ गया log c into 10 का ब्रेकअप किया sin x by 2 upon cos x by 2 में, sin x को ब्रेक किया 2 sin x by 2 into cos x by 2, ये c ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं अपन, तो यहां से cos कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 2 sin square x by 2। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा यहां पे अपने पास में, log of y is equal to c into sin square x by 2 into 2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin square x by 2 को 1 minus cos x भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, log c into 1 minus of cos x। ठीक है, वापस से एनवी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो आपके पास सॉल्यूशन बचा माइनस ऑफ लॉग वाई, ये यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो माइनस ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी इनटू वन माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू log c और 1 minus cos x इसकी होल पावर माइनस ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। पहले माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, फिर log m into n की पावर मैंने